हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, बहुत प्रेशर होता है लाइफ में। प्रेशर क्यों आता है, किस रीजन से प्रेशर आता है बच्चों को आजकल के? ठीक है, तो प्रेशर इसलिए आता है बच्चों, एक तो पढ़ाई को लेके होता है कि हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि हमारे घर में लोग बताते रहते हैं, कभी मामा जी बताएंगे, कभी मौसा जी बताएंगे, कभी पापा बताएंगे, और फला आदमी का फला बेटा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म, कंपेरिजन बहुत ज़्यादा एक्चुअल में होता है। यदि आपका बड़ा भाई बहुत अच्छा है, आपकी बड़ी सिस्टर बहुत अच्छी की है, तो एक प्रेशर दिमाग पे आ जाता है, यार आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस को लेकर तो प्रेशर रहता है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर परफॉर्मेंस को लेकर ही रहता है लाइफ में। अब ये जरूरी तो नहीं है यार कि पाँचों उंगलियाँ बराबर हो, कि घर में एक बच्चा अच्छा किया तो दूसरा बच्चा भी अच्छा करे। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हमें पढ़ाई में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। फिर हम रात दिन लगे रहते हैं, चीज़ें समझ में आए ना समझ में आए, ठीक, तो भी हम रात दिन भर बैठ के पढ़ते रहते हैं घर वालों को दिखाने के लिए। एक दिखावा भी कभी कभी हो जाता है देखा जाए तो। ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, आपको अपना विजन क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, अपने मन का काम आपको नहीं मिला है, ठीक है, और उसको करना पड़ रहा है क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर है, तो प्रेशर आता है। तो इसके इस प्रेशर को कम करने के लिए अपना सबसे अच्छा पॉइंट यही है यार कि हमें क्लियर होना चाहिए भाई मुझे लाइफ में क्या करना है, और खुल के पेरेंट को बताना चाहिए कि पापा हमें ये करना है। फला आदमी क्या कर रहा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें खुल के बताना है। जब खुल के बताएंगे तो हो सकता है उसमें पेरेंट आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तुम ये पॉइंट सोच रहे हो तो इस पॉइंट में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम कर सकते हो, चूँकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी घर में छिपा के मत चलो, चीज़ों को बता के चलो और खुल के बातचीत करो, इससे आपका प्रेशर काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें आप एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अभी दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे देखता हूँ सोशल मीडिया का, अभी आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा रहता है सोशल मीडिया पे दिखावा कि हमारा DP ऐसा होना चाहिए, लुकिंग फैक्टर। जो वर्चुअल फैमिलीज अभी बढ़ रही है, लोगों लाइक ज़्यादा होना चाहिए, कमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, ये भी एक प्रेशर दिमाग में डालता है बच्चों। तो बच्चों इसको हमें लगता है, यदि स्टार्टिंग में आप स्टूडेंट हैं तो इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले आपको अपने सक्सेस के बारे में, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। जब आप लाइफ में सक्सेस होंगे लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे, लोग ऑटोमेटिक आपके आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे तो शायद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रहिए, नहीं तो आप में क्या होगा, इसको लेकर भी एक प्रेशर, ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट होता है, नंबर ऑफ लाइक, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ कमेंट को लेकर। तो कोशिश करिए स्टार्टिंग के टाइम में, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इनसे दूरी बना के रहिए। जब जिंदगी में आप सक्सेस हो जाइए, भरपूर यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मैंने देखा है बच्चों को कि स्पोर्ट में बहुत अच्छा होना चाहते हैं। यार अब कुछ बच्चे रहते हैं जो स्पोर्ट में बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक, स्पोर्ट खराब नहीं है, आपको इंटरेस्ट है तो एक टाइम आप निकाल सकते हैं, और उसे आपको, मुझे लगता है बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता स्पोर्ट से, कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं आप। तो स्पोर्ट से आपका प्रेशर मुझे लगता है कि कम होता है जब आप स्पोर्ट खेल के आते हैं, कूद के आते हैं। क्योंकि पहले हम लोग जब थे तो ज़्यादा खेल नहीं, अभी तो सारे बच्चे मोबाइल पे टिके रहते हैं, तो पहले तो खेल, चूँकि मोबाइल नहीं था ना पहले, तो लोग खेलने कूदने में बिजी रहते थे, माइंड का एक डेवलपमेंट होता था। लेकिन किसी कारण से आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे स्पोर्ट में, तो उसको भी प्रेशर मत लीजिए, जो आपका इंटरेस्ट है उतना आप करिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम टॉप लेवल पर स्पोर्ट पर पहुँच जाए, जो आपका इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। यहाँ पर अच्छा देखना, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता है यार मेरा दोस्त बहुत अच्छा स्मार्ट दिखता है, तो कोई फोटो डालता है तो इतनी सारी लाइक्स आ जाती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लाइफ में लुक्स मैटर नहीं करता है, हाँ इनसली मैटर करता होगा,
इनिसली मैटर करता होगा जब आप स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना तो आपकी जो क्वालिटी होती है लोग उसको देखते हैं, आपका लुक नहीं देखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, स्टार्टिंग में नहीं आएगी, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपको समझ में आएगी। इसलिए कभी भी लुक को देख के आपको परेशान नहीं होना है कि मैं लुक वाइज अच्छा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरे बाल उड़ गए हैं, या मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, या मेरा मतलब पता नहीं क्या क्या सोचते अपने बारे में। कभी भी अंडरस्टिमेट मत करो, जैसे हो एक्सेप्ट करो, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, आगे लोग आपकी क्वालिटी को नमन करेंगे, आपके लुक को नहीं करेंगे। इसलिए कभी इसको लेकर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। स्टार करिकुलम का मतलब होता है कि आपको गाना गाना बहुत अच्छा आ रहा है या आपको डांस करना बहुत अच्छा आ रहा है। तो यार सभी लोग अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो डांस भी करना नहीं आता, गाना भी गाना नहीं आता, लेकिन वो लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, है इंटरेस्ट तो करो, नहीं है तो अननेसेसरी प्रेशर मत लो, ठीक है। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो खुश रहो, हैप्पी रहो और करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।